नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR Homes में। तो आज मैं आपके लिए प्रॉपर्टी लेकर के आया हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको पानी की भी सुविधा मिल जाती है, मेन रोड से जो उसकी दूरी होने वाली है वो भी मात्र और मात्र 500 से 700 मीटर की दूरी होने वाली है। प्रॉपर्टी ईस्ट फेसिंग की है, साथ ही कालवा रोड के ऊपर लोकेटेड है। यहाँ पर आपको पानी की सुविधा मिल जाती है, 40 फीट रोड के ऊपर ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका फ्रंट एलिवेशन और फिर उसके बाद में हम लोग जो है पूरा अंदर से टूर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले फ्रंट एलिवेशन। तो ये आप देख रहे हैं इसका फ्रंट एलिवेशन, जो कि बहुत ही प्यारा सा है। दो यूनिट्स हमने हमारे द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। 15x60 का डायमेंशन होने वाला है, 100 गज की प्रॉपर्टी है। आप आसपास का सराउंडिंग एरिया भी देख सकते हैं किस तरीके का होने वाला है। बालाजी विहार 51 के अंदर प्रॉपर्टी लोकेटेड है और 40 फीट का रोड है। आसपास में पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड कॉलोनी होने वाली है। और जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको डोर मिल जाता है, जो कि काफ़ी हैवी मेटल के साथ में दिया गया है। और साइड्स में आपको देखिए ग्लास के कितने प्यारे प्यारे से ये काम करके दिया गया है। यहाँ से हम लोग अगर आगे की तरफ चलते हैं तो ये मिल जाता है इसका पार्किंग का स्पेस, जो कि काफ़ी स्पेशियस आपको मिल रहा है, जहाँ पर अपनी दो कार्स आप इजीली पार्क कर पाएंगे। आपको यहाँ पर मिल जाता है वाटर टैंक प्रोविज़न, जो कि 5 से 7 हज़ार कैपेसिटी का आपको दिया गया है। साइड्स में भी प्रॉपर आपको टाइल्स वर्क दिया गया है, जिससे कि आपका सीलन पपड़ी ना आए। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि होता क्या है, जब हम लोग घर में सफाई करते हैं तो वहाँ पर जो है आप देखा होगा आपने यूजुअली वहाँ पर हरी हरी सी कुछ काई जैसे जमा हो जाती है, जिससे कि मकान जो है बहुत बेकार सा लगता है। वो यहाँ पर आपको जो है फेस करने को नहीं मिलेगा। साइड्स में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लाइटिंग का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है। ऊपर की साइड में भी आप देखेंगे तो यहाँ बाहर की साइड में भी फॉल सीलिंग का आपको वर्क दिया गया है। यहाँ पर दिया गया आपको वायर मेश डोर और अंदर की साइड में वुडन का डोर है। बड़ी सी विंडो जहाँ से प्रॉपर आपका वेंटिलेशन और सनलाइट बनी रहेगी। ये आ जाता है इसका मेन एंट्रेंस, और एंट्रेंस पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके की एंट्री है, जहाँ पर इस साइड में आपका सिटिंग एरिया आप बना सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे इस तरफ में तो यहाँ पर आपको मंदिर डिज़ाइन करके दिया गया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मंदिर आपको बना करके दिया गया है। कुछ आइटम आपका अगर है डेकोरेटिव आइटम तो यहाँ पर आप रख पाएंगे उसे। और यहाँ पर ऊपर की साइड में भी आपको फॉल सीलिंग दी गई है, जो कि बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी फॉल सीलिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, जैसे हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए बड़ा सा आपको हॉल मिल जाता है। हॉल का साइज़ भी काफ़ी स्पेशियस है। ऊपर की साइड में आपको फुल सीलिंग का वर्क मिल जाता है, जहाँ पर कॉप लाइट, कंसील लाइट और साथ ही शेंडलियर लगा करके दिया गया है। इस तरफ एक वॉल के ऊपर देखेंगे तो वॉलपेपर है, साथ ही बीच में आपको मिल जाता है बहुत ही प्यारा सा वुडन का वर्क, जहाँ पर आपको कुछ डेकोरेटिव आइटम आपके पास में वो आप रख सकते हैं। आपने देखा होगा यूजुअली हमारे पास में कुछ फोटोज़ होती हैं जो हमारी यादें होती हैं, चाहते हैं हम उसे वॉल के ऊपर लगाना, लेकिन वहाँ पर कील लगाते हैं तो वो दिक्कत होती है, क्योंकि बाद में क्या है छेद जो है ज़्यादा हो जाते हैं। उनको आप यहाँ पर रख सकते हैं, और जो कुछ डेकोरेटिव आइटम है उन्हें आप यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे कि इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाए। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वॉश बेसिन मिल जाता है। इस साइड में LED पैनल आपको दिया गया है, जहाँ पर अपना बड़े से बड़ा LED इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। स्टेयर्स आपको अंदर से ही दी गई है, जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर से आती है इसके रूफ तक आपको लेकर के जाती है। अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पर इसके किचन की, तो किचन का साइज़ भी काफ़ी स्पेशियस है, और यहाँ पर बाहर की साइड में भी आपको कुछ डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए स्पेस अवेलेबल करवाया गया है। किचन आपको मिल जाती है L-शेप में, काउंटर टॉप ग्रेनाइट के वर्क के साथ में है, और साथ ही सामने की तरफ बड़ी सी विंडो, बीच में आपको हॉल के ऊपर वो होल बना करके दिया गया है वॉल के ऊपर, जिससे कि आपका चिमनी लगे तो उसका आउटर पॉइंट आपको मिल जाए। यहाँ पर आपको फ्रिज रखने का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर सिंक एरिया आ जाता है। किचन में पूरा जो है कैबिनेट्स आपको मिल जाते हैं, जिससे कि आपका किचन से रिलेवेंट जो भी सामान हो आप इजीली उसे रख पाएं। स्टेयर्स का नीचे का जो पार्टीशन है उसे पूरी तरीके से यूटिलाइज किया गया है, जहाँ पर आपका स्टोर रूम बना करके आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए तो ये मिल जाता है आपको इसका कॉमन बाथरूम, जिसका साइज़ भी काफ़ी स्पेशियस आपको मिल रहा है। जहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इंडियन शीट लगा करके दी गई है, वेंटिलेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। रूम के अगर मैं साइजेस की बात करूँ तो लगभग 10x11 10x12 के साइजेस रूम के यहाँ पर आपको होने वाले हैं। सामने की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो वॉल पे प्यारा सा वॉलपेपर है, ऊपर के साइड में फॉल सीलिंग का वर्क है। साथ ही सामने वाली वॉल के ऊपर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये इसका विंडो का प्रोविजन, जहाँ से आपका प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस इसका होने वाला है 38 लाख रुपये। 38 लाख रुपये में इस प्रॉपर्टी को आप अपना बना सकते हैं। पीछे बैकयार्ड का एरिया है, जहाँ से आपका प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा, और वेंटिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर घर के अंदर, क्योंकि देखिए घुटन सी हो जाती है घर के अंदर, वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सामने की तरफ में देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है वार्डरोब, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए ये मिल जाता है अटैच बाथरूम, जो कि इस रूम के साथ में आपको मिल रहा है, यानी कि आपको ग्राउंड फ्लोर पर आपको एक जो इसका कॉमन बाथरूम है प्लस एक अटैच बाथरूम, दो बाथरूम्स आपको उसके ग्राउंड फ्लोर पर अवेलेबल करवाए गए हैं। अभी यहीं से होते हुए मैं आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पर लेकर के चलूंगा। 15x60 की प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं, जो कि 100 गज के अंदर बनी हुई है, कालवा रोड के ऊपर लोकेटेड है। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, डायरेक्टली जाकर के कॉल कर सकते हैं प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। आप देखेंगे स्टेयर्स पे भी आपको फुट लैंप्स लगा करके दिए गए, जिससे कि इसकी विजिबिलिटी बनी रहे। ये आ जाता है हॉल। हॉल का भी साइज आप देखेंगे
तो काफ़ी स्पीशियस है। सामने की वॉल पर आपको जो है वॉलपेपर, और यहाँ पर भी आपको वुडन का वर्क करके दिया गया है, जहाँ पर आपका जो भी डेकोरेटिव आइटम है वो रख सकते हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो फुल सीलिंग का वर्क है, जैसा नीचे एज इट इज था वैसा का वैसा। कॉप लाइट, कंसील लाइट वगैरह है, कोई भी चटक कलर यहाँ पर यूज़ नहीं किए गए, तो मकान बहुत अच्छा आपको लगने वाला है। यहाँ पर देखिए, यह आता है इसका कॉमन बाथरूम। बाथरूम का साइज़ भी काफ़ी स्पेशियस आपको मिल रहा है। यहाँ पर भी एक कॉमन और एक प्लस अटैच बाथरूम आपको दिया गया है। ये आ जाता है इसका बेडरूम। बेडरूम का साइज़ फिर से मैं आपको बता दूँ, लगभग 10x12, 10x11 का साइज़ बेडरूम का है। सामने की तरफ वॉलपेपर है, जहाँ पर देखिए कितना प्यारा सा सोबर आपको वॉलपेपर मिल रहा है। ऊपर की साइड में फुल सीलिंग का वर्क है, और साथ ही एक वॉल के ऊपर यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉल जो है वार्डरोब, जिसे भी आप अपने ड्रेसेस वगैरह रख पाएंगे। इस तरफ विंडो है, पीछे की साइड में बैकयार्ड का एरिया, जहाँ से आपका प्रॉपर सनलाइट भी हो रहा है और वेंटिलेशन भी हो रहा है। और यहीं पर आपको जो है टैप वगैरह लगा करके दिया गया है, जिससे कि आपका वॉशिंग एरिया की तरह जगह को यूज़ ले सकते हैं। इस साइड में बाथरूम है, जहाँ पर आपको, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आप वेस्टर्न शीट लगा करके दी गई है, वेंटिलेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ से अगर एक बार व्यू देखेंगे तो बहुत प्यारा व्यू उसके हॉल का दिखाई देता है। 100 गज की प्रॉपर्टी है, मात्र 38 लाख रुपये प्राइस है, 80% लोनेबल है। इस रूम का साइज़ होने वाला है थोड़ा बड़ा, लगभग मैं कहूँ तो 12x और लगभग 14 के साइज़ में ये रूम आपको मिल जाता है। सामने की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर, उस साइड में वार्डरोब, और ऊपर की साइड में आप देखेंगे वहाँ पर आपको फुल सीलिंग का वर्क, एसी के सेपरेट पॉइंट्स उन सभी जगहों पर जिन जगहों पर की नीड है। सभी रूम्स के साथ में आपको वार्डरोब भी मिल रही है, तो आपका जो भी सामान वगैरह है वो बाहर की साइड में पड़ा हुआ है, ऐसा बेकार नहीं लगने वाला है। यहाँ पर आप 55 इंच तक की LED ईजिली इंस्टॉल कर पाएंगे, ये ऑप्शन भी सामने की साइड में आपको अवेलेबल है। मिल जाती है यहाँ पर एक बड़ी सी बालकनी, ये देखिए कितनी बड़ी बालकनी आपको अवेलेबल करवाई गई है। यहाँ से भी एक बार आसपास का सराउंडिंग एरिया देखिए कैसा होने वाला है। प्रॉपर्टी जो मैंने आज आपको दिखाई वो 15x60 के डायमेंशन में है, और मैं अगर कहूँ तो ये जो प्रॉपर्टी है कालवा रोड पर एक बेस्ट प्रॉपर्टी होने वाली है, जो कि अगर ईस्ट फेसिंग की अगर आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं कालवा रोड पर, तो बहुत एक अच्छा ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो कि 80% लोन के साथ में आपको मिल जाती है। मेन रोड से इसकी दूरी बहुत पास में है, चिरायू खंडा का हॉस्पिटल बहुत पास में है। लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ से 7 नंबर 32 नंबर बस आपको अवेलेबल हो जाती है, और 24 नंबर लो फ्लोर बस भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाती है, जो कि यहाँ से 700 से 800 मीटर के डिस्टेंस पे ही है। चांदपोल अगर मैं बात करूँ, यहाँ से दूरी जो होने वाली है चांदपोल की 14 से 15 किलोमीटर होने वाली है, और यहाँ से जो आपका रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड है वो भी लगभग 14-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही आपको मिल जाता है। पास में ही काफ़ी सारी स्कूल्स हैं, जैसे कि मैं कहूँ स्प्रिंगडेल हो गई, या फिर मैं कहूँ श्री कल्याण स्कूल हो गई, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर आपको MPS स्कूल हो गई, तो ये सब कुछ आपको बहुत ही नियर बाय मिल जाता है। खंडा का चिरायू हॉस्पिटल यहाँ से बहुत ही नियरेस्ट है, और मेन मार्केट वगैरह सब कुछ आपको बहुत ही नियर बाय मिल जाती है। प्राइस में अगर आपको बताऊँ तो मात्र 38 लाख रुपये, 80% लोन के साथ में एक प्रॉपर्टी है। 20% आपको कैश लेकर के आना है, बाकी आपका इजिली लोन हो जाएगा। 20% की अगर मैं बात करूँ तो 8 से 9 लाख या 10 लाख रुपये आपके पास में होने चाहिए, इजिली इस प्रॉपर्टी को अपना बना सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। वीडियो आया पसंद तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। इस वीडियोस के, इस मकान के फोटोज देखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं रील्स, तो आप जो है हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर हम लोग जो है इसकी फोटोज रील्स डालते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं। और साथ ही अलग किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।